तो यहाँ अपना ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। ये तो अपना टेडी बियर है पूरा। और हमारे भैया बोल रहे हैं कि चलिए चलते हैं। और ये इसको बड़ा एक्साइटमेंट है कि सारा एक एक गिफ्ट देखे। देखा नहीं है ना? अच्छा, इसने भी नहीं देखा है? नहीं। अच्छा, चुपके से लाई थी। सो मम्मी, ये वाला बाबू का पैंट जब भी ना लाएंगे, ये पहना के निकाल। हीरो हीरो लगेगा बिल्कुल, जैसे हीरो स्विमिंग पूल से निकलता है तो भगवान की कृपा से उस दिन का टाइम नहीं आया कि आना भी नहीं चाहिए। इन्होंने मतलब कि बोल दिया तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हीरो से देखा इन्होंने मुझे, स्कूटी से जाता था, बारिश में भीग रहा है, आ रहा है, उसके बाद वीडियो, फिर किट्टो की डाल। वेलकम बैक टू अमित एंड किट्टो जायसवाल यूट्यूब चैनल। तो यहाँ अपना ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। ये तो अपना टेडी बियर है पूरा। ये आया तो भाई पता नहीं कितना जोर से सुना लिया। ये गिफ्ट लगा क्या क्या है? अभी गिफ्ट अनबॉक्सिंग, गिफ्ट अनबॉक्सिंग का गिफ्ट है। ये लौंडा कब से कह रहा है खोल दो खोल दो खोल दो, तभी खोल रहा था ये। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, कोई बात नहीं, अभी आराम से खोलेंगे आराम से खोलेंगे। बस 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 लड़की बस नहीं बोले, किट्टो पगला गई है। कर दे भाई, कर दे भाई, कर दे। बस हो गया हो गया, बस हो गया। सो गाइस, ये वाला ब्लॉग बेहद खूबसूरत होने वाला है, जिसमें हम लोग गिफ्ट अनबॉक्सिंग करेंगे, क्योंकि क्या क्या चीजें आई हैं वो सारी चीजें आप सब लोग को दिखाएंगे। और बहुत अच्छी चीजें कल वाले ब्लॉग में डाल गई है, कल सुबह आएगा। हाँ, तो इस ब्लॉग में 1 लाख लाइक होने चाहिए। लाइक? हाँ भाई, हमारे भी 1 लाख व्यूज आ गए भाई, बहुत लाइक की बात है। 1 लाख लाइक होने चाहिए तभी गिफ्ट ओपनिंग होगी। वो लोग बोलेंगे तू रहने दे रख दे रख दे भाई, अपना गिफ्ट रख ले, हमको नहीं करना लाइक। पहले लाइक करोगे फिर। चलो चलो पहले ब्लॉग देखते हैं। लड़का भी अपना बहुत तेज हो रहा, बहुत तेज हो रहा। तो हमारे नन्हे मुन्ने से सो रहे हैं और हमारे भैया बोल रहे हैं कि चलिए चलते हैं। और ये इसको बड़ा एक्साइटमेंट है कि सारा एक एक गिफ्ट देखे। देखा नहीं है ना? अच्छा, इसने भी नहीं देखा है? नहीं। अच्छा, चुपके से लाइन थी। मैं अपने बाबू के नाम कलर पे ना अपनी फ्रेंड को भी बुलाऊंगी। तुम फ्रेंड को बुलाओ, अपनी भाभी को बुलाओ, अपनी ननद को बुलाओ, अपनी सास को बुलाओ, अपने ससुर को बुलाओ। उनको तो कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते हैं, उनको तो हमेशा ही। उन्हीं से तुम हो, उन्हीं से हम है भैया, वो बात नहीं है। नहीं, हमें बुलाओगी? नहीं बुलाओगी? आप हम बिन बुलाए आ जाए, आप तो बिन बुलाए जाए। नहीं देखो, इंसान देखो ससुराल में एक ही दो लोग मेन होते हैं कि नहीं, ये चीज तो इंसान करता ही करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और कभी भूल भी नहीं सकते हैं हर चीज में, तो क्योंकि हमारा उन्हीं से ही रिश्ता है भैया। पहले मेरा ससुराल है, उसके बाद तो कुछ और है। रिश्ते ऐसे होते हैं, नहीं भूले जाते हैं। सो गाइस, एक ये गिफ्ट है बड़ा, उसके बाद एक ये बड़ा गिफ्ट है। लग रहा है किट्टो का वो आ रखा है दोंग। नहीं, लॉटरी लग गई। लॉटरी नहीं, हमारे यहाँ बोलते दोन आ रखा है। क्या होता है शादी के बाद वो आता है, जो जैसे जैसे नहीं नहीं शादी के बाद डोंग आता है लड़की का, तो उसमें क्या होता है, लड़की को कोई चीज देना रहता है, वो चीज छूट जाती नहीं आ पाती है, या वो चीज पेंडिंग रह जाती है। कभी कभी क्या होता है, कोई ऑर्डर दिया तो चीज अभी बन के नहीं आ पाई, तो वो चीज डोंग में दिया जाता है। तो वो चीज हो गया किट्टो का, डोंग आ रखा है। चलो लगाओ फिर, दोनों भाई लगाते हैं। आ जाओ, मम्मी को भी बुला लो, मम्मी क्या कर रही है। ये सेब संतरे भी लगाने जरूरी है। सो गाइस, ये सेब है, ये आम है क्या? ये आम, मैंगो मैंगो ओहो मैंगो मैंगो। तो भैया सेब और मैंगो देख लो आप लोग, अभी से सेब मैंगो भी लेके आई थी। सही बात है, नहीं इसका भी अनबॉक्सिंग जरूरी है। आ जाओ मम्मी, आओ बैठो, आप भी आओ बैठो। अरे बस करो, बैठो बोलू, आ बैठो तुम। गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं और नक्शी सारा गिफ्ट दिखाएगा। सबसे अच्छा बात यही रहेगा नक्शी दिखाए, क्योंकि नक्शी बोल रहा है कि मम्मी लेकर गए। बोला कान कब छिदवा लिए, बोला कह रही मैं तो कैप का, क्योंकि कह रहा है कि मम्मी बोल रही थी किसने बेचारे ने खुद ने नहीं देख रखा सारे गिफ्ट, फिर यही दिखाएगा। चलो दिखाओ कि गिफ्ट क्या क्या लाया मेरे। यहाँ शार लेगा, ये शावर के लिए कपड़े हैं, शार बार। हाँ, अच्छा,
अच्छा आपको खोल के दिखाते हैं। खोल के दिखाओगे और क्या? क्या ही मिला वो पन्ना तो कर दिया। तो ये शार बात के लिए है। तो ये बाबू जब शार आएगा तो बाबू जब नहा धो करके निकलेगा मस्त भाई साहब मम्मी ये वाला बाबू पहन जब भी नहाएंगे ना ये पहना के निकल हीरो हीरो लगेगा बिल्कुल जैसे हीरो स्विमिंग पूल से निकलता है तो ऐसे स्विमिंग पूल भी तैयार हो रहा है ना कोई बात नहीं अब गर्मी छुट्टी और ये आ गया बाबू की पैंट शर्ट बाबू की पैंट शर्ट ये नक्श लेकर के आ रखा है अपने भाई के लिए नहीं अपने भतीजे अच्छा भतीजे भांजे के लिए भांजे के लिए बता इतने छोटे से उम्र में मामा बन गया लड़का ये उसका पैंट ये उसका शर्ट है बहुत प्यारा कलर और ये उसका पैंट है ये मेरे पास भी ऐसा ही है बड़ा है पर चलो ठीक है नेक्स्ट 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 वो तेरी सेम कलर नहीं इसका येलो है अंदर इसमें बाबू हीरो लगेगा हीरो ओ भाई साहब काफी अच्छे गिफ्ट लेकर के आए हुए हैं ये ड्रेस ये उसकी शर्ट है ये देख और ये पैंट है वाह देख ये लाइक पजामे टाइप है ये पैंट पजामे टाइप है इसके अंदर गाइज येलो कलर की टी शर्ट भी है ये अच्छी बात है ये अच्छी बात है और ये पैंट पजामे टाइप है ये पैंट क्योंकि इसमें नारा भी है और ये है हमारे मतलब खाटू श्याम का और बालाजी का प्रसाद सारी ब्लॉगिंग आज लड़का ही कर रहा है अपना और ये है बरेली की सोन पापड़ी फेमस सोन क्योंकि ये बरेली से है हाँ ये फेमस है बरेली की उसका तब कौन सा खोलोगे अब ये रुको मैं लेके आता हूँ कैंची कैंची लाए रहा रहा। चलो दिखाओ आराम से निकाला कांच है और इसको साइड कर देता हूं। ये इससे किट्टो दीदी बहुत खुश होंगी ये है इससे आप समझ लो ये है क्या इससे आप समझो ये है क्या ओ लड़का ये घूमता है सस्पेंस भी क्रिएट कर रहा है ये घूमता रहता है जल्दी से बताना कमेंट बॉक्स ये चक्र है चक्र दिस इज द माइक्रोवेव माइक्रोवेव निकालो अंकल निकालेंगे निकलेगा पलटी कर दो ना नहीं नहीं निकल जाएगा ये प्राइम वीडियो किसने बोल दिया ये माइक्रोवेव है सो गाइस ये माइक्रोवेव आ रखा है काफी हैवी होता है ठीक है बहुत अच्छा है ये थैंक यू माइक्रोवेव लेकर के आ गई हूँ गाइस सच में ये जानती है हम जब अपना वो लेने गए थे वॉशिंग मशीन लेने गए थे तो फिर मैंने इससे बोला ना कि ये ले लो फिर ये बोले ना कि यूज में नहीं है इन्होंने बोला कि ले ले मैं बोली देखो अभी देखो मैं ना एक तो बाबू रहेगा और उसके बाद अभी मुझे तो ये चक्कर हम लोग माइक्रोवेव के अंदर रख देते हैं ताकि गिरे ना हाँ ताकि ये काट मैं तुम जो बॉटल बॉईल करती हूँ गैस में इसमें पानी में डाल दोगी बॉटल और टाइमर लगा दोगी बॉटल बॉईल हो जाए और जैसे और अपने आप गैस बंद करने की जरूरत नहीं अपने आप बंद हो जाएगा ये ऑटोमेटिक वाला टाइमर लगता है ना जैसे मैं अपना तो हम लोग माइक्रोवेव को विदाई देते हैं अब किचन के ओर बाय किचन के ओर आप आओगे ना उसमें अब ये आ गया ये बाबू के लिए ये बाबू के लिए सुहाना बाबू इसमें घूमेगा अभी आप बताइए क्या है छुपा लेता हूँ तो तुम बोले ही क्या बहुत चालाक लोग हैं सब जान जाते क्या है बताइए बताइए चलो दिखा ये अब आपको दिखाई दे जाएगा क्योंकि ये बच्चों के लिए स्पेशल चीज होती है भाई साहब ये तगड़ी चीज है हाँ ये महंगी और तगड़ी बहुत अच्छी चीज है आराम से धीरे से धीरे से देखा पैर पे ने लगा लेना चोट तो ये नक्श लेके आया हुआ है भांजे के लिए नक्शी इसकी सेटिंग जानेगा ओ भाई साहब भांजा मेरे चलाएगा ये नहीं भांजे की मम्मी चलाएंगी हाँ
और इसमें घूमेगा, अब इसको सेट ही कर दो, ये तो लगा ही रहेगा, फिर इसमें घूमता रहेगा। और ये मेन ये ट्रॉली हो गई बाबू को ना घुमाने के लिए, ये टायर्स निकाल देते पहले, छोटा मोटा सामान निकालेंगे। इसकी सेटिंग तो मुझे, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। मेन खोका निकालते हैं। इसकी सेटिंग आती तुम्हें? हाँ हाँ। अरे वाह, सेटिंग मुझे अगर मैं भी कर लूंगा, लेकिन मुझे एक बार देखना पड़ेगा इसका वो होगा ना, इंस्ट्रक्शन होते हैं, ट्यूटोरियल होते हैं, देख लेता हूँ। बॉक्स के अंदर ही होगा शायद से। अब हम लोग ये रहा, और देखो ये इसमें बाबू खेलेगा, इधर से खाना बना भी नहीं तो उधर बैठा दो बाबू को, लेटा दो। आज देखो खाना बनाने में इतना दिक्कत हो रहा था, बाबू रो रहा था। और ये ना मैं खोलूं? हाँ खोल दीजिए आप। इधर देखिए कितनी मेहनत लग रही है, इसमें ट्यूटोरियल भी नहीं दिया, बहुत मेहनत लग रही है, मेरे को भी ज्यादा खोलना नहीं आया था। लगा कैसे लगाया तू? तो देखो दीदी कितनी मेहनत लग रही है बताओ। बहुत ज्यादा, यहाँ से भी लग गया, यहाँ से भी लग गया। लो अब बाबू को लेटालना है, बाबू को लेटा करके वीडियो बनाएंगे, बाबू को चुलाएंगे इधर। आज तो जिंदगी में आज तक किसी जने ने मैंने देखी नहीं है इतनी शिद्दत हो गया। ये हाँ नहीं रखा नहीं किया भैया, टालना तो यहीं से कुछ करते हैं, नहीं कुछ करता है उसने, करके बताया था एकदम लेट लेट जाएगा इसको। हाँ। अच्छा हाँ। कुछ कर रहा था ये ऐसे हाँ, कितने तो बाबू के लेटने का भी हो गया जुगाड़। अच्छा हाँ बता दो भैया, तो हमें करना है, अब सीख लिए ना। ये गंदा है इसका, ये खोल दो, इसको हटा दो बाबू, ये हो गया बाबू लेटने। ये सही है, ये सही है, झूला वूले की जरूरत नहीं है। ना ना वो नहीं लूंगा फिर अब मैं, वो जगह भी, और वो सिर्फ 3 महीने चलता है, 4 महीने। अब ये ऐसे कर दो, बाबू सोता भी रहेगा इसमें, धूप भी नहीं लगेगी, कहीं बाहर ले जाओगे तो धूप भी नहीं लगेगी। सही चीज़ यार, बोतल रख ली नीचे, सामान कहीं बाहर ले जाना तो ये डाइपर वाइपर ये सब इसमें नहीं, ये तो तगड़ी चीज है। अब पहिया लगाएंगे, बना दी फर्स्ट क्लास गाड़ी तैयार। पी 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 अमित खिलाड़ी आदमी है, पता है जो व्लॉग में बोल रहे हो आप, क्या हो गया जो इतना जो कुछ भी होता है ना, हम तो उसी में पगला जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं कैसे हर चीज कर लेते हैं। ये बाबू का पहिया बन गया, हम तो कह रहे ये बाबू का पहिया फेंक के मारो। इसमें भी ना इस साइड ज्यादा खेलो ना, ये देखिए है ना बटन, पंखे बंद कर दो, पंखे बंद कर दे, बंद कर दो क्योंकि काफी देर चला ना, बाबू को थोड़ा नुकसान भी करता है, और नीचे जाएगा ये। हाँ और नीचे चला जाएगा। रिबन कौन काटेगा हैं? ये चीज हट भी जाए कैसा है बाबू के लिए, ये भी बेहतरीन चीज आ गया। डाल दो खाली मत छोड़ो, गुड्डा कहाँ है तुम्हारा? हाँ गुड्डा उधर है, कल इसका पूजा उजा करेंगे तब इसको। ये अभी गुड़िया घूम रही है, नक्स चला करके दिखा रहा है, वेरी गुड। इसमें हमारी गुड़िया है, छोटी सी पल्ली सी गुड़िया। नहीं सही है, ये बहुत जरूरी चीज है, ये सही, इसको खोल लो मस्त, हवा बाबू को भी लगता रहे ना। अभी गुड़िया लेटी है हाँ। बाबू की जगह बाबू की गुड़िया पालने से अच्छा ही है। हाँ ये सही है, पालने का भी काम है, वैसा भी काम है। अब चलो फाइनली हम लोगों ने गिफ्ट जो मिला था उसको शेड भी कर दिया, काफी अच्छा लगा, और थैंक्स इतना प्यारा गिफ्ट लाने के लिए आपको। थैंक्स थैंक्स नहीं बोल रहे आपको, कुछ नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं, वापस कर दो मेरा थैंक्स, वापस ले लो, हमें थैंक्स नहीं चाहिए। कैसे वापस? ऐसे चलो ठीक है। सो गाइस नहीं क्यों थैंक्स नहीं बोलेंगे, इतना बड़ा गिफ्ट दिए, इतना क्या दिए, नहीं माँ बाप का फर्ज होता है। अरे भैया इनको हम लोग बड़ा रोक के चलते रहते, पता नहीं क्या क्या यहाँ गिरा दे। कपड़े मना कर दिए, कपड़े नहीं लाना हमको, कपड़े जब हम लोग बोला कि मुझे आज भी याद है जब मैं घर के लिए परेशान था, एकदम घर ले रहा था, तो इन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हें जितने भी पैसे की जरूरत होगी ना, तुम किसी से मत वो करना, तुम मेरे को बोल देना, हो जाएगा। तो
हालांकि भगवान की कृपा से उस दिन का टाइम नहीं आया कि आना भी नहीं चाहिए। इन्होंने मतलब कि बोल दिया तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक होता ना कि मेंटली आदमी को सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ कोई पीछे है, नहीं आना भी नहीं चाहिए। हम तो ये कहते हैं भगवान इसको इतना दे, इतनी कामयाबी दे कि कभी भी ये पीछे मुड़ के नहीं देखे, क्योंकि हमने देखा इसने अपनी कैसे आंखें फोड़ी है। स्कूटी सही बात है, ये जीरो से देखा इन्होंने मुझे। स्कूटी से जाता था, बारिश में भीग रहा है, आ रहा है, उसके बाद वीडियो, फिर किट्टो की डालना, अपनी डालना। पता है गाइस, मैं पहले शुरुआत में रात के 12 बजे ब्लॉग डालता था, याद है इनको, रात के 12 बजे में ब्लॉग डालता था पहले, क्योंकि मैं ऑफिस जाता था। लोगों को ये दिखता है कि चमक है, चमक के पीछे जो वो सोना जब तपता है, हीरे को मारते हैं, वो चीज देखनी चाहिए कि कैसे तपता है। सही बात है, मतलब रात में आकर के फिर वीडियो शूट करना, किट्टो सब फिर एडिट करते करते रात के 12 बज जाना, लाइव में बैठे रहना 12 बजे, इंस्टाग्राम पे डेली लाइव आते थे हम 10 से 11 डेली, वो 12 बज जाता था, बीतते पता नहीं चलता। सही बात है, किट्टो कितना मेहनत करती है बताइए। अरे कर लो, बोलेगा मम्मी आप तो बोलोगी आपकी बेटी। नहीं, प्रेगनेंसी के बाद भी देखो वो काम करना उसने स्टार्ट कर दिया, और ऑपरेशन हुआ है उसका, इसीलिए देखो हर किसी को पीछे भी देखना चाहिए, और अपनी जो नीचे हम जहाँ से उठते हैं वो चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए। वो आदमी हमेशा आगे बढ़ता है, जो भूलता नहीं है वो आगे बढ़ता है, और जो भूल जाता है अपना वक्त, वो फिर भगवान उसको वक्त दिखाता है। तो गाइस काफी मोटिवेशनल बातें होती जा रही हैं। अच्छे अच्छे लोग भी मिले, बुरे बुरे भी लोग मिले, जिंदगी का तो यही एक सफर है गाइस। इस प्लेटफॉर्म पे, इस रास्ते में जीरो से लेकर के फेसबुक पे आप लोग के आशीर्वाद से मिलियन हो रखे हैं, यूट्यूब पे 5 लाख से प्लस है। मुझे मेरे फेसबुक पे जितने भी है ना, सारे जेन्युइन है, कोई फेक नहीं है, कोई और मतलब इस जो ये सफर रहा हमारा जीरो से लेके अब मिलियन तक का सफर, इसमें बहुत सारे अनुभव हमें मिले हैं, जिंदगी के अनुभव मिले हैं कि कैसे कैसे लोग आपको इस रास्ते में मिलते हैं, बहुत सारे लोग आपको दिल से चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपको यूज करना चाहते हैं, सब बढ़िया चलता रहता है। इसमें हर एक बात बताई नहीं जाती, सब कुछ, और बहुत अच्छी चीज है, जिंदगी में अनुभव मिलना चाहिए। और कमेंट सेक्शन होता है इसीलिए कि आप अपनी बातें रखो और आप लोग अपनी बातें रखो। अभी मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोग उन्हें नहीं छोड़ते तो तुम्हें क्यों छोड़ेंगे। मैं तो सोचो आम इंसान हूँ। तो गाइस चलते हैं, थोड़ा सा कुछ खाएंगे पिएंगे हम लोग थोड़ा सा, और आप सब लोग गिफ्ट्स कैसा लगा? आज हम जब से आए तब से खा ही रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, तो वो ठंडा हो जाएगा ना मामला। कहाँ रखा, कहाँ है? किचन में। ठीक है, बस चलते हैं।